हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस एपिसोड में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि कनाडा में कौन से ऐसे हाई परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो कि आपको कम टाइम में लो रिस्क में ज़्यादा रिटर्न दिला सके। तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और थोड़ी देर में मिलते हैं फटाफट। There is very famous saying in English, empty pocket never held anyone back, only empty heart and empty head makes that. अगर आपके इरादे बुलंद हैं, अगर आप बहुत ऊपर उड़ना चाहते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू मेक मनी यू शुड इन्वेस्ट स्मार्टली। कैनेडा में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जैसे स्टॉक बॉन्ड्स, क्रिप्टो करेंसी, म्यूचुअल फंड्स, TFSA, RRSP, रियल एस्टेट। और कोई भी इंडिविजुअल इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को चूज़ करता है उसके डायनेमिक्स देखकर, उनके ट्रेड्स देखकर कि उसमें कितना रिस्क है, उसमें कितना रिटर्न है। मैंने कनाडा के सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को क्लोजली स्टडी किया, मॉनिटर किया कि कौन सी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में हाई रिटर्न्स हैं। और फाइनली मैं इस कंक्लूजन पे कि रियल एस्टेट इन कनाडा इज़ द मोस्ट हाईली परफॉर्मिंग सेक्टर, कि जिसके अंदर आपका रिटर्न बहुत ज़्यादा हाई है और लो रिस्क। बट दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ऑन्टोरियो में प्रॉपर्टी लेना बहुत ईजी नहीं है। टू बाय अ प्रॉपर्टी इन ऑन्टोरियो इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अगर आपके पास एक करेक्ट स्पिरिट हो घर खरीदने की और एक हंगर हो सक्सेस की, तो एनीबडी कैन डू दैट। देर आर फ्यू पीपल हु लर्न द लेसन हार्ड वे एंड सम स्मार्ट वे। मैं जब यहाँ पर आया, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बने और कुछ फ्रेंड्स पहले के आए थे, कुछ मेरे साथ के आए थे, कुछ बाद में आए। कुछ लोगों ने मेरे साथ साथ घर ले लिया, कुछ लोग आज भी रेंट पे रह रहे हैं। और रेंट पे रहने का मतलब कनाडा में कि आप किसी और की मॉर्गेज पे कर रहे हैं। मेरे वो फ्रेंड जो आज भी रेंट पे लेते हैं, वो पता नहीं क्यों वो ना हिम्मत से हार जाते हैं। पता नहीं कहते हैं कि यार मार्केट इतनी हॉट है और प्राइसेस इतने हाई हैं तो बहुत मुश्किल हो गया घर खरीदना। लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखिए, अगर आप एफर्ट्स ही नहीं करेंगे अपने, तो आपको कैसे पता लगेगा? कई लोग तो एफर्ट्स ही नहीं करते। जिन लोगों ने घर ले लिया, उन लोगों के घर अप्रिशिएट हो गए और कल को अगर वो अपना घर बेचते हैं तो उनके पास एटलीस्ट नए घर के लिए, किसी दूसरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए उनके पास इनिशियल पेमेंट 20% तैयार हो। लेकिन वो लोग जो आज भी रेंट पे ले रहे हैं, उनके लिए मार्केट और डिफ़िकल्ट होती जा रही है। अब जैसे कुछ लोग टोरंटो रहते हैं, मिसिसागा रहते हैं या मिल्टन रहते हैं, वो अगर पहले घर वहाँ नहीं ले पा रहे थे और शायद हैमिल्टन में घर ले सकते थे, वो अगर आज की डेट में भी घर नहीं खरीदेंगे तो वो हैमिल्टन में भी नहीं ले पाएंगे। उनको फिर हैमिल्टन से आगे जाना पड़ेगा, बीम्सहिल जाना पड़ेगा, कैम्ब्रिज जाना पड़ेगा, उनको नायग्रा फॉल्स जाना पड़ेगा। वो भी अब धीरे धीरे अप्रिशिएट होते जा रहे हैं और फिर आपको लंदन की तरफ निकलना पड़ेगा। तो आप ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपका जहाँ पर प्राइम सेक्टर है, जो जिसे हम GTA एरिया कहते हैं, जो ग्रेटर टोरंटो एरिया है जिसे कहते हैं, आप उससे बहुत दूर चले जाएं। तो मेरा सजेशन सबके लिए यही होता है, इफ़ यू रियली वांट टू मेक यूज़ ऑफ योर सरप्लस मनी, यू हैव टू इन्वेस्ट इन द रियल एस्टेट एज सून एज पॉसिबल। तो मैं क्यों रियल एस्टेट को हाई परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट सेक्टर कहता हूँ, इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। मैंने इस मार्केट को स्टडी किया है। देखिए, ये जो अभी आप ग्राफ देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इसमें आपको रियल एस्टेट के सारे डायनेमिक्स पता लग जाएंगे। दिस स्लाइड शोज प्राइस एंड द ग्रोथ होम्स फ्रॉम 1987 टू 2021। रियल एस्टेट मार्केट हैज़ बीन ऑलवेज गोइंग अपवर्ड्स एंड रिमेन्ड हॉट। यहाँ पर रियल एस्टेट का सिनेरियो ये है कि लोग जिनके अपने घर हैं, वो अपने नेक्स्ट घर के लिए डाउन पेमेंट जोड़ के, अपने घर को रीफाइनेंस करके वो एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेते हैं और उसको रेंट पे चढ़ाते हैं। और दो तीन साल तक उस प्रॉपर्टी को होल्ड करने के बाद जब बेचते हैं तो उनके पास अप्रॉक्सीमेटली $4-5 लाख सेव हो जाते हैं। अब आप लोगों को तो मेरी स्टोरी पता है, मेरी लाइफ में कितने इवेंट्स आए। मैं सैस्कटून से यहाँ मूव हुआ, मूव होने के बाद कोविड आ गया, मनपसंद की जॉब नहीं मिली, फिर कोर्स किया, इसके बावजूद मैंने घर भी खरीद लिया। देखिए, घर खरीदना मेरे को लगता है इट्स मोर ऑफ योर माइंडसेट। अगर आपके पास सही स्पिरिट और मोटिवेशन है, आप घर खरीद सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, जो लोग थक जाते हैं, हार जाते हैं, कहते हैं यार हम तो मार्केट से आउट हो गए, हम कर नहीं पा रहे, तो आप आज की डेट में मार्केट से आउट हैं और फर्दर आप आउट होते जाएंगे, आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा। मैंने 2020 सितंबर के अंदर अपना घर खरीदा, उसकी वैल्यू थी $530,000। आज की डेट में उसकी मार्केट वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 850,000 से लेकर 900,000 है।
अब आप मेरे को ये बताइए कि इस पूरे कनाडा के अंदर ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जो कि आपको 1.5 साल के अंदर 3 से 3.5 लाख डॉलर कमा कर दे सकता है? कोई भी प्रोफेशन, कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको इतने कम टाइम के अंदर हाई रिटर्न नहीं दे सकता। ऑन्टोरियो में घर लेने का मतलब ये है कि आप मार्केट में बने हुए हैं, मार्केट अप जाए लो जाए आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप कल को घर लेना चाहते हैं और मार्केट अगर अप है तो आपका घर ज़्यादा का बिकेगा। दूसरी चीज़, बहुत अपने घर की बात ही अलग होती है। अपने घर में बैठे हैं, अपनी छत के नीचे बैठे हैं, तो जो सुकून और जो पीस ऑफ माइंड आपको अपने घर की छत के नीचे मिलता है वो आपको एक टेनेंटेड हाउस में नहीं मिलेगा। As I told you in my last episode that I am a full-time licensed realtor in Ontario. If you have any questions related to investment, real estate, you want to buy anything, you want to sell anything, you have any investment proposition, you can always just reach out to me at 306-514-1305. मेरे पुराने वीडियो से रिलेटेड आज भी बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे को लिखते हैं, इमिग्रेशन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। देखिए, मैं एक कोई प्रोफेशनल इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैंने तो बस शेयर करी थी अपनी स्टोरी। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है इमिग्रेशन से रिलेटेड तो प्लीज़ मेरे को ईमेल करिए। मेरा ईमेल है mrinalplace2win@gmail.com, जो मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिख दूँगा। आप मेरे को उसके ऊपर ईमेल करिए, मैं आपका ईमेल अपने कंसल्टेंट के पास फॉरवर्ड कर दूँगा जिसने मेरी हेल्प करी थी कनाडा के अंदर आने के लिए। वो बहुत जेन्युइन कंसल्टेंट है, सो आई होप ही वुड बी एबल टू गाइड यू मच बेटर। मैं बस इतनी सी ही बात कहूँगा कि जो लोग कनाडा में यहाँ रहते हैं और घर लेना चाहते हैं, मैं उनको एक छोटा सा एक मोटिवेशन ये देना चाहता हूँ कि इट्स नेवर टू लेट। आज की डेट के अंदर मार्केट बहुत स्लो है। ओवर आस्किंग जो पहले 2-2 लाख 1.5 लाख जाती थी, आज वो नहीं है, मार्केट बहुत सॉफ्ट है। अगर आप यहाँ आज की डेट में घर लेना चाहते हैं सो इट इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर द बायर्स। मैंने अपना घर लेने से पहले मैंने 12 बिडिंग करी थी, 12 ऑफर्स डाले थे अलग अलग प्रॉपर्टीज पे। अगर मैं हार मान लेता तो मैं अपना घर नहीं ले पाता। इसीलिए मेरा आप सब लोगों से यही सजेशन है जो ऑन्टोरियो में मेरा चैनल देखते हैं कि आप हिम्मत नहीं हारिए। इन केस आपके पास कोई क्वेरी है तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपकी जितनी हेल्प कर सकूँ मैं करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।